वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। देखिए आज हमने यहाँ पे एक दो पुली क्रिएट की है और उसमें एक बेल्ट चेन का फीचर यूज किया है। यहाँ पे देखिए असेंबली फीचर में आपको यहाँ पे ये फीचर मिल जाएगा बेल्ट चेन। इस फीचर को हम यूज कैसे करेंगे उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर एक असेंबली फाइल हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। फिर आपको क्या करना है, इंसर्ट कंपोनेंट में जाना है, फिर यहाँ पर ब्राउज में जाना है। ब्राउज में हम जाके यहाँ पे जिस लोकेशन में आपकी फाइल है उसे इंसर्ट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दो पुली क्रिएट की है, फर्स्ट एंड सेकंड, इसे इंसर्ट करना है, यहाँ पे ओपन करना है। तो फर्स्ट वाली पुली एंड सेकंड वाली पुली यहाँ पे इस तरह से दोनों पार्ट यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। तो फर्स्ट वाला पार्ट अभी फिक्स होता है तो इसे फ्लोटिंग मोड में हमें क्रिएट कर देना है। अब हम क्या करेंगे, रेफरेंस ज्योमेट्री में जाना है और एक्सिस लाइन यहाँ पे दो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे टॉप प्लेन सिलेक्ट करना है, फिर राइट प्लेन सिलेक्ट करना है। ये फर्स्ट वाली एक्सिस लाइन हम यहाँ पे क्रिएट हो गई है। यहाँ पे आई बटन में जाके इसे शो कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पे फिर से रेफरेंस ज्योमेट्री में जाएंगे, प्लेन क्रिएट करेंगे, राइट प्लेन, फिर यहाँ पे प्लेन का डिस्टेंस 900 mm यहाँ पे अप्लाई किया हमने और ओके करना है। अब फिर से यहाँ पे एक्सिस लाइन क्रिएट करेंगे, यहाँ पे राइट प्लेन सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे जो प्लेन सिलेक्ट किए प्लेन क्रिएट किया है उस प्लेन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए राइट प्लेन हमें यहाँ पे टॉप प्लेन सिलेक्ट करना है। इस तरह से दूसरी वाली एक्सिस लाइन भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब हम मेट में जाएंगे, मेट एक्टिवेट करना है आपको और यहाँ पे इस वाली एक्सिस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस छोटी वाली पुली का बोर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखिए मेक रिलेशन कोसेंट्रिक कर देना है और ओके करना है। एडिट, यहाँ पे रिवर्स साइड में हमें ये शेयर सेट करनी है पुली और ओके करना है। अब फिर सेकंड वाली यहाँ पे इस वाली एक्सिस लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसका बोर सिलेक्ट करना है और कोसेंट्रिक रिलेशन करना है और फिर ओके कर देना है। अब फिर से मेट में जाना है, मेट में जाने के बाद यहाँ पे इस वाली पुली की फेस सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फिर ओके कर देना है। तो इस तरह से हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और कोइंसिडेंट रिलेशन ओके, इसे अभी क्लोज कर देते हैं। देखिए इस तरह से हमारी असेंबली यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेट कर दी है दोनों पुली। अब ये देखिए इंडिविजुअल रोटेट होना स्टार्ट हो गई है, ये भी देखिए। अब हम यहाँ पे बेल्ट चेन का फीचर का यूज करेंगे। तो असेंबली फीचर के ड्रॉप डाउन में जाना है हमें और यहाँ पे बेल्ट चेन एक्टिवेट करना है। बेल्ट चेन एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए बेल्ट मेंबर, तो बेल्ट मेंबर हमें क्या करना है, तो देखिए इस वाले फर्स्ट ग्रुप को सिलेक्ट करना है, अंदर वाली फेस को। इसी तरह इस बड़ी वाली पुली है उसकी अंदर वाली फेस को सिलेक्ट करना है। तो देखिए इस तरह से ये एक पाथ क्रिएट हो जाएगा और फिर यहाँ पे देखिए एक नीचे ऑप्शन है क्रिएट बेल्ट पार्ट, इसे टिक कर देना है और ओके कर देना है। तो हमें ये सबसे पहले सेव करनी पड़ेगी असेंबली, तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसे सेव कर देते हैं, असेंबली बेल्ट चेन। बेल्ट चेन असेंबली और सेव कर देते हैं, सेव ऑल। तो देखिए इस तरह से ये एक पाथ क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, बेल्ट चेन हमने क्रिएट किया है उसके देखिए यहाँ पे डिस्टेंस जो इसकी लेंथ है वो भी यहाँ पे आ गई है 3396.81 mm। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस वाले पार्ट को यहाँ पे एडिट पार्ट करना है या ओपन पार्ट करना है।
देखिए इस तरह से यहाँ पे एक ओपन पार्ट ओपन हो गया है, एक तरह का पार्ट क्रिएट करना है हमें यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस ज्योमेट्री में जाना है, प्लेन क्रिएट करना है, फिर यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और फिर ओके कर देना है। फिर यहाँ पे एडिट स्केच नॉर्मल, सेंट्रल लाइन यहाँ पे क्रिएट करेंगे, इस तरह से आपको एक स्केच क्रिएट करना पड़ेगा। मिरर, इन तीनों लाइन को सिलेक्ट करना है, मिरर अबाउट इस सेंट्रल लाइन को सिलेक्ट करना है और ओके करना है। फिर यहाँ पे यहाँ से इसका डिस्टेंस 24 mm, इसका डिस्टेंस 24 mm ऊपर वाला। फिर यहाँ से ये बॉटम वाली लेंथ रहेगी 6.5 mm और इसकी हाइट रहेगी 22.5 mm। देखिए इस तरह से सेट करना है हमें और फिर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है। ओके, इस लाइन को सिलेक्ट करना है और मेक रिलेशन पियर्स कर देना है और फिर ओके करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्विफ्ट बॉस बेस का यूज़ करेंगे। तो फीचर में जाएंगे, स्विफ्ट बॉस बेस यहाँ पे एक्टिवेट करना है। फिर यहाँ पे हमारा जो स्केच है वो प्रोफाइल इसी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे पाथ सिलेक्ट करना है और ओके करना है। प्लेन को हाइड कर देते हैं हम। देखिए इस तरह से ये बेल्ट क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे इसका अपीयरेंस हम दे देते हैं। यहाँ पे देखिए रबड़ में जाना है, रबड़ को सिलेक्ट करके मेट में, फिर यहाँ पे एक मेट रबड़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। फिर आपको यहाँ पे विंडोज़ में जाना है और जो बेल्ट असेंबली हमने क्रिएट की है उसे, बेल्ट चैन असेंबली जो थी हमारी, उसे ओपन करना है और यहाँ पे इसका जो पाथ था उसे हाइड कर देना है। देखिए इस तरह से ये बेल्ट क्रिएट हो गया यहाँ पे, देखिए प्रॉपर तरीके से परफेक्टली यहाँ पे फिट हो गया है जो असेंबली हमने जो बेल्ट चेन का यूज़ किया था। देखिए इस तरह से ये, अब देखिए दोनों पुलिया वर्क कर रही है। अब हमें यहाँ पे बेल्ट दूसरे और फिट करने हैं। यहाँ पे देखिए 2, 3, 4 and 5 ग्रू है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सर्कुलर लीनियर कंपोनेंट पैटर्न और इसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम जो इस वाले की है यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे रिवर्स साइड। फिर यहाँ पे हम कंपोनेंट सिलेक्ट करेंगे तो हम ये बेल्ट सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे हमारे ग्रूव का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे सेट करेंगे, तो 24 + 4 = 28 इसका डिस्टेंस है। फिर यहाँ पे 2, 3, 4 and 5 फिर ओके कर देना है। देखिए इस तरह से ये चारों बेल्ट यहाँ पे, पांचों बेल्ट यहाँ पे सेट हो गए हैं। अब हम देखिए यहाँ पे रोटेट कर देते हैं। देखिए ये प्रॉपर तरीके से रोटेट हो रहा है। इस तरह से आप बेल्ट और चेन का यूज़ करके अपने कोई भी कंपोनेंट को, जैसे मोटर की पुली है,
कोई ड्राइवन पार्ट है आपका, उसे सेट कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे इसका एनिमेशन सेट करना चाहते हैं, इस तो मोशन स्टडी में जाएंगे, फिर यहाँ पे जो मोटर है उस मोटर को सिलेक्ट करेंगे। मोटर में हम इस पुली को सिलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे रिवर्स साइड में, और यहाँ पे इसके आरपीएम 100 यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देना है। फिर यहाँ पे इसका 14 सेकंड का हम टाइमिंग सेट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका टाइमिंग सेट कर दिया है और देखिए ये प्रॉपर तरीके से रोटेट हो रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।